और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते क्या फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुबहाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेता और पास कर लेता। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं।